मैथ्स के लिए मोस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो है वीडियो नंबर 115। क्वेश्चन चल रहे हैं डेरिवेटिव्स पर। क्वेश्चन है हमारा बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड द डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई हर का स्क्वायर हर इंटू अंश का अपलन डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर का जीरो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉलो। नेक्स्ट लाइन बनती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस का टू एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई का टू वन माइनस का टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। अब इसको टू टाइप से कर सकते हैं, या तो डिवाइडिंग वाली फॉर्म से भी कर सकते हैं और ए वो फॉर्म है फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ऐसे वन को लिखते हैं टेन फोर्टी फाइव माइनस का टेन एक्स, ये ज़्यादा ट्रिकी है, इस वाली फॉर्म से अलग हो जाए। वन इंटू वन टेन एक्स लिख सकते हैं, वन को नीचे भी टेन फोर्टी फाइव लिख लें, वन प्लस टेन फोर्टी फाइव इंटू टेन एक्स फॉर्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी पैंतालीस माइनस एक्स हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू टेन फोर्टी फाइव माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन कर देंगे यानी कि 45 माइनस एक्स को टी लेट कर लें तो ये हो जाएगा वाई का टू टेन टी, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी यानी कि टेन टी इंटू डी अपॉन डी एक्स टी का 45 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद सोल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू टेन टी का सेक स्क्वायर टी इंटू 45 का जीरो एक्स का वन माइनस का सेक स्क्वायर टी, टी था 45 माइनस एक्स सेक स्क्वायर 45 माइनस एक्स। ऐसे ही क्वेश्चन है वाई इक्वल टू वन माइनस का कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स, इसको भी हम दो तरह से वाई टू वाले टर्म में तोड़ के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जैसे कर रहे हैं ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिएगा जैसे करना चाहें दोनों टाइप से इसको कर दे रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स पहले डिवाइडिंग वाली फॉर्म से लगा रहे हैं, वन प्लस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर वन प्लस कोस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, वन माइनस का कोस एक्स माइनस का वन माइनस का कोस एक्स डी अपॉन डी एक्स वन प्लस कोस एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर वन प्लस कोस एक्स वन का जीरो कोस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स माइनस वन माइनस का कोस एक्स वन का जीरो कोस का होगा माइनस का साइन एक्स। उसके बाद बनता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में वन माइनस कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ऊपर से साइन एक्स कॉमन निकाल लेंगे वन प्लस का कोस एक्स प्लस वन माइनस कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स होल ऑफ स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया आया टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। एक टाइप तो ये हो गया हमारा, हमने डायरेक्ट इसको लगाया डायरेक्ट यानी कि इस वाली फॉर्म से डायरेक्ट लगा दिया। अब यहाँ पे इसको अगर और तोड़ा जाए तो आंसर बदल सकता है, थोड़ा बहुत इसको चेंज किया जा सकता है यहाँ से, तो चेंज करते हैं। चेंज किया होगा ये बाई टू में फॉर्मूला टूट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स टू साइन एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू अपॉन कोस एक्स को टू कोस स्क्वायर
एक्स वाई टू माइनस वन, वन से वन जैसे हो जाएगा, टू इंटू टू साइन एक्स वाई टू कोस एक्स वाई टू अपॉन फोर कोस स्क्वायर एक्स वाई टू का हॉल ऑफ स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर एक्स वाई टू इंटू कोस स्क्वायर एक्स वाई टू। फोर से फोर कैंसिल हो गया, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स वाई टू अपॉन कोस एक्स वाई टू इंटू वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स वाई टू, यह हो जाएगा टेन एक्स वाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई टू। एक टाइप तो ये हुआ। दूसरा टाइप है हमारा वाई इक्वल टू वन माइनस का कोस एक्स था और वन वन प्लस कोस एक्स था, इसको डायरेक्ट ही हम वाई टू में चेंज कर लें, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, यह हो जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल, वाई इक्वल टू वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स वाई टू, वन से वन कैंसिल वन, तो ये बचा वाई इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स वाई टू, टू से टू कैंसिल, वाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब टी लेट करके इसको किया जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स वाई टू का हॉल ऑफ स्क्वायर, लेट टेन एक्स वाई टू को टी लेट किया, डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स वाई टू का हॉल ऑफ स्क्वायर था, यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा टी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी टी बाई यानी कि टी स्क्वायर हो गया इंटू डी अपॉन डी एक्स, टी है टेन एक्स वाई टू, टी स्क्वायर का हो जाएगा टू टी इंटू टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू इंटू एक्स वाई टू का फिर से करेंगे, तो टी को लिखेंगे टेन एक्स वाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई टू इंटू वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, टेन एक्स वाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई टू टी बाई मैट्रिक्स। देखिएगा ये दूसरा टाइप से आंसर इससे भी वही आ रहा है, कोई से भी इसको लगाया जा सकता है, ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं कि दो तरह से लगा सकते हैं, जो सो टेबल बने उससे इसको कर लीजिएगा।